हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 19 और 20 अगस्त दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है एशियाड गेम के बारे में या एशियन गेम के बारे में, तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है कि अभी एशियन गेम का 18वां एडिशन है वो जकार्ता इंडोनेशिया में होस्ट है, वो किया गया है, तो इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ कीवर्ड जिनके ऊपर बेसिकली यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। तो देखो एशियन गेम है, इनको एशियाड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा यह है कि इसका 18th जो एडिशन है, 18वां एडिशन है, वो इंडोनेशिया के जकार्ता और एक जगह हो रहा है जिसका नाम है पेलेम्बक, उन दोनों जगहों में इसको आयोजित है वो क्या जाएगा। तो आपको होस्ट कंट्री का नाम ध्यान रखना है कि भाई 2018 की जो एशियन गेम है उनको होस्ट करने वाली कंट्री है वो है इंडोनेशिया। इसके बाद में अहम चीज आ जाती है कि देखो इंडोनेशिया वो सेकेंड टाइम इसको होस्ट कर रहा है एशियन गेम को, और जो एशियन गेम है ये हर 4 साल में एक बार है वो आयोजित किए जाते हैं। इनका जो लास्ट एडिशन था, मतलब हम बात कर सकते हैं कि 17वां एडिशन था, वो होस्ट किया गया था एक्चुअली बात करें तो साउथ कोरिया के द्वारा 2014 में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, लास्ट के बारे में भी यूपीएससी की बार क्वेश्चन वो पूछ लेती है। तो लास्ट एडिशन कहाँ था, साउथ कोरिया में था, जगह का नाम आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, हुआ है इंचेसोन, और 2014 में होस्ट है वो किया गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि एशियन जो गेम्स है या एशियाड जो गेम्स है इसको इस बार होस्ट तो किया है इंडोनेशिया ने, बट यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हर बार इसको ऑर्गेनाइज वगैरह कौन करवाता है और कौन इसका एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की बात कर सकते हैं या कौन इसको रेगुलेट वगैरह करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखो 1982 में क्या हुआ था, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया थी उसके द्वारा बेसिकली एशियन गेम को स्टार्ट है वो किया गया था। इसमें बेसिकली एशिया की जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। मेन मोटो ये होता है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, आपस में कंपटीशन को बूस्ट करना है, ये बेसिकली इसका काम है। और बात करें हम इसके रेगुलेशन की, तो इसका रेगुलेशन का जो काम है वो किया जाता है एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एशियन गेम को रेगुलेट करने का काम एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, और ये जो ऑर्गेनाइज की जाती है ये की जाती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। 1982 से इसका एडिशन है वो स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक कुल मिला के हम बात करें तो इसके 18 एडिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 18 तो अभी खैर रनिंग में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा सा आप ये भी ध्यान रखना कि इस बार जो एशियन गेम हो रहे हैं इनके अंदर ई स्पोर्ट्स को, वीडियो गेम वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये भी थोड़ा फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी तक 18 से बेसिकली स्टार्ट हुए हैं, 18 अगस्त से लेके ये गेम्स है वो चलेंगे, तो हम इसके बारे में थोड़ा और भी पॉइंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। 2 सितंबर तक का इनका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा। बाकी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बेसिकली जो मेडल वगैरह कैसे रहते हैं उनके बारे में भी यूपीएससी की बार क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं स्पोर्ट्स को लेके। तो आगे जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आईसीआरएएफपीटी के बारे में, कि जो एक्चुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांस्ड इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, इसकी एक कॉन्फ्रेंस है वो अभी इंडिया के द्वारा होस्ट है वो की गई है। अब कहाँ होस्ट की गई है वो भी हम देख लेते हैं। ये होस्ट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम, ये बेसिकली है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे इसको होस्ट है वो किया गया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसकी थीम की ओर कि भाई इसका थीम क्या है जो इस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है फूड प्रोसेसिंग को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे। देखो इसका थीम ये है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू फूड प्रोसेसिंग, मतलब किसानों की इनकम है वो डबल करनी है फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, मतलब फूड प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया होती है इस प्रोसेस के थ्रू किसानों को फायदा ज्यादा होना चाहिए ताकि उनकी इनकम है वो डबल हो सके। देखो जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक अभियान भी चला रखा है कि भाई किसानों की इनकम है वो 2022 तक हमें डबल है वो करनी है। इसके लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है फर्टिलाइजर वगैरह वो सस्ती रेट में भी प्रोवाइड करवा रही है, जीरो फार्मिंग है, जीरो कॉस्ट फार्मिंग है उसकी तरफ गवर्नमेंट फोकस कर रही है। काफी सारे अभियान गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं एमएसपी वगैरह के लिए कि भाई जैसे न तैसे किसानों की हालत है वो सुधारी जाए और हमारी इकोनॉमी में और 4 चांद या हमारी इकोनॉमी के पहिए और तेजी से घूमे, इसके लिए जरूरत यह है कि किसानों की हालत और ज्यादा सिक्योर है वो करें और उनकी इनकम है वो भी एक तरीके से थोड़ी बहुत तो सिक्योर होनी चाहिए। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में होगा क्या, किस किस लेवल पे क्या क्या काम है वो होने वाला है। देखो बेसिकली ये जो
कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है थिरुवनंतपुरम में। इसमें अहम बात की जाएगी फूड रिसर्च वगैरह पे फोकस किया जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड रिसर्च वगैरह में कौन कौन से काम हुए उनके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं वो लोग आपस में आके यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे, अपने एक्सपीरियंस हैं अपने आइडियाज हैं वो यहाँ पे शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि उससे इंडिया को कोई नया इनोवेटिव आइडिया मिल जाए या फिर बाहर की किसी और कंट्री को इंडिया का कुछ आइडिया मिल जाए, मतलब आपस में डिस्कशन होगी तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा होगा। और क्या इसमें डिफरेंट जो स्पीकर्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कि जो और इंजीनियर्स हैं वो क्या करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से देखेंगे कि जो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, इसके साथ ही फूड बायोटेक्नोलॉजी हुई और नैनो फूड हुआ इस फील्ड में कैसा तो उनका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने आए हैं। तो इस तरीके के अपने जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर किए जाएंगे और जो जो नए चैलेंजेस होंगे उनका किस तरीके से सोल्यूशन है वो किया जा सकता है इस बात पे फोकस है यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। फिर देखो थोड़ा फैक्चुअल डाटा दिया गया है, ये बेसिकली हम मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा हमें पता भी होना चाहिए जनरल नॉलेज वगैरह के लिए। जैसे बात करें हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तो वो अभी तक है 135 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है हमारे देश में और इसकी जो ग्रोथ रेट है हर साल वो है 8% ग्रोथ रेट है, जबकि हमारे देश में एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ रेट है 4%। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा तेजी से हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है, तो इसलिए काफी अहम हो जाता है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं और किसानों की इनकम वो सिक्योर करें। अब हम बात करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है इसके सामने चैलेंजेस क्या है हमारे देश में। देखो चैलेंजेस सबसे बड़ा तो एक तो है कि पूर सप्लाई चेन, मतलब टाइम पे जो चीजें वो पहुंच नहीं पाती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लोगे खेतों वगैरह में जैसे कि आलू और टमाटर प्याज जैसी चीजें होती हैं इनको बहुत कम टाइम में कोल्ड स्टोरेज तक या फूड प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाना होता है। तो कई बार तो क्या है कि जो सप्लाई चेन है ये नहीं हो पाती है, बीच में चीजें पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। तो कहने की हमारी सप्लाई चेन है उसमें दिक्कत है ट्रांसपोर्ट वगैरह में। इसके बाद में बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कि जगह जगह कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब आप खुद ये चीज जानते हो कि अगर जगह जगह पे कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगे तो किसानों की जो फसल है उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, तो वो चीज काफी सामने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में बात आती है स्किल्ड मैन पावर का कि हमारे देश में देखो स्किल का बहुत भारी अभाव है तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफी स्किल की जरूरत होती है, तो स्किल नहीं होने की वजह से काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में आती है लो क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब हमारे देश में फूड की जो क्वालिटी है इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं गाइडलाइन है वो सही नहीं है इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, और इसीलिए हम कुछ चीजें वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट से मेच नहीं खाते हैं, तो हमें फूड क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, थोड़ा टाइट रखना चाहिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी भी एक ब्रांड वैल्यू वो बन सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, पी नोट्स के बारे में। तो कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है बट हम यहाँ पे जानेंगे कि पी नोट्स होते क्या हैं या पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। तो देखो इसे हम बेसिकली एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ये मान लो कोई भी एक पर्सन है उसे इंडिया में किसी इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जो भी इंडिया में सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड बॉडी है उसमें क्या करेगा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, सिंपल सी बात ही है। पर आप ये मानने कि कोई भी ऐसा नागरिक जो बाहर रह रहा हो मतलब इंडिया के अंदर नहीं रह रहा हो या मान लो कि वो फॉरेनर है उसको इंडिया में इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे करेगा, अब वो डायरेक्टली तो आके कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कोई ना कोई ऐसी जो आप बोल सकते हो कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होती है ना FII, मतलब वो बॉडी जो फॉरेन की है बट इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है जो कि बेसिकली सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, उन पे जाके कॉन्टेक्ट किया कि देखो भाई मेरे को इंडिया के स्टॉक मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट है वो करना है, मान लो कि उसको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, हम केवल एग्जाम्पल मान रहे हैं कि उसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो अब क्या करेगी, जो भी वो कंपनी है या जो भी इन्वेस्टर है जो बैंक है वो क्या करेगा उसको एक मतलब एक दे दो एक तरीके से आपको बोलूं तो बॉन्ड टाइप की चीज दे देगा कि हाँ भाई ठीक है इस इंसान ने मेरे को 10,000 रुपये इंडिया की इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो वो जो पेपर होगा वो होगा पी नोट्स, मतलब हुआ क्या एक तरीके की एक इंस्ट्रूमेंट है या एक तरीके का एक लेटर है जो क्या करता है रजिस्टर्ड जो फॉरेनर्स होते हैं ना उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए दिया जाता है ताकि वो इंडिया के मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। अब ये मान लो कि कोई और पर्सन है वो डेली हो सकता है कि इंडिया के मार्केट में डेली इन्वेस्ट नहीं करता हो, कभी कभी 2-3 साल में एक बार पैसा इन्वेस्ट करता हो, इसलिए वो रजिस्टर क्यों करवाएगा अपने आप को, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि अगर वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करवाएगा तो फिर उसे काफी सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो फॉलो करनी होंगी, काफी सारी गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखना होगा, तो ऐसा उसके लिए काफी टिपिकल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं वो बैंक वगैरह या फिर कोई और भी जो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ भाई आप ये पैसा लीजिए इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद
आगे की प्रक्रिया वो चलती रहती है। तो उनको होता क्या है, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो पैसे को कंटिन्यू रखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ से ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला है तो वो उस पैसे को तुरंत निकाल लेते हैं। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचता है और इससे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी है। तो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही देखेंगे। देखो बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज तो ये है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में अगर पैसा आ रहा है तो इंडिया की कंपनी को पैसा मिलेगा, जिससे वो कंपनी अपने आप को बूस्ट कर सकती है। नेगेटिव इफेक्ट की बात यह है कि जो भी ये इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं वो उनके पास क्या है, कोई मतलब टाइम लिमिट नहीं होती है। अगर वो टाइम से पहले भी पैसा निकाल लेंगे तो कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, अगर वो टाइम से पहले पैसा निकाल लेंगे तो होगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन पे। बट इससे क्या हो सकता है कि सडनली आप ये मानो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, आप बड़े लेवल पे सोच के देखना कि ये मान लो कि कई अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने इन्वेस्ट किया और फिर उन्होंने सडनली पैसा निकाल लिया तो मार्केट क्रेश कर सकती है ना स्टॉक मार्केट की, तो कहीं ना कहीं इसलिए ये नुकसानदायक चीज है। तीसरी बात यह है कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई, घफलेबाजी करनी हो, उसमें भी इस पैसे का बेसिकली यूज हो किया जाता है, क्योंकि जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है उसकी तो कोई आइडेंटिटी इंडिया के पास नहीं है ना, सेबी के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई किस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है। जैसे ये मानो कि मैं हूँ, मैं बाहर रह रहा हूँ, मैंने इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने एचडीएफसी बैंक के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया, तो एचडीएफसी बैंक मेरे को एक पी नोट दे देगा, एक पेपर दे देगा कि हाँ भाई मैंने स्टॉक मार्केट में इंडिया में इतना पैसा इन्वेस्ट है वो किया है। बट यहाँ पे हम बात करें सेबी के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं ना मेरे बारे में कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है नहीं किया, तो सेबी को क्या पता चला कि किसने इन्वेस्ट किया। अगर मैं डायरेक्टली सेबी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता तो सेबी को पता चलता कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सेबी देख सकती थी कि भाई मैं फर्जी आदमी हूँ, मैंने गफलेबाजी की है या कहाँ से पैसा वगैरह आया है। तो इसलिए इसमें काफी ज्यादा असंदिग्धताएं रहती हैं, एनोनम से मतलब अज्ञात, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक तरह से अज्ञात है वो, इसमें हिडन है वो रहते हैं। तो ये पी नोट्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बेनिफिट इसका देखो यही होता है कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन हो, ये मान लो कि उसे इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो उसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली किसी जो भी रजिस्टर्ड फर्म है उससे कॉन्टेक्ट करके उसको पैसा दो और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पी नोट्स के बारे में भी न्यूज है वो आई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है साउथ पार्ट्स के बारे में। तो देखो बेसिकली यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो ये कि साउथ पार्ट की लोकेशन कहाँ पे है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है। साउथ पार्ट है वो नेचुरल गैस फील्ड है जो कि ईरान में है, तो लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है ईरान में, ये चीज आपको ध्यान है वो रखनी है। कंटेक्स्ट अभी कुछ इस प्रकार है कि देखो यूएसए ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर डील कैंसिल करके सेंक्शन लगा दिए थे। अब उन जो भी सेंक्शन या बैन लगाए गए थे तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि यूरोप के जो ये थे ना नेचुरल गैस फील्ड साउथ फार्स, इसके अंदर बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट था, मतलब यूके वगैरह कंट्रीज का, तो यूके जैसे कंट्रीज ने क्या अपना पैसा खींच लिया क्योंकि यूएसए ने सेंक्शन लगा दिए, और इसी चीज का फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने क्या किया, अपना जो शेयर हिस्सा था वो इसमें बढ़ा दिया, क्योंकि जब यूके जैसी कंट्रीज ने अपना हिस्सा खींच लिया तो चाइना ने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा दी है। तो राइटर का ये कहना था कि देखो भाई इस चीज से यूके और वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान होने वाला है और चाइना इस चीज का फायदा यहाँ पे उठाने वाला है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि साउथ पार्स है, इसकी लोकेशन ईरान के अंदर है जो कि एक नेचुरल गैस फील्ड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है लीगो ऑब्जेक्ट, लीगो प्रोजेक्ट के बारे में। देखो लीगो जो प्रोजेक्ट है ये अभी कंटेक्स्ट इसको ये लेके आया है कि हमारे देश के जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है इसने लीगो प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दे दी है कि भाई महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आप यहाँ पे लीगो प्रोजेक्ट के लिए मतलब जो लेबोरेटरी वगैरह आपको लगानी है वो स्थापित कर सकते हो, तो आप एक बार जगह वगैरह चेक कर लो। अब हम बात करते हैं लीगो प्रोजेक्ट की। लीगो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव है, गुरुत्व जो वेव है उनको एक्चुअली ऑब्जर्व करने के लिए या उन पे रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब वो ग्रेविटेशनल वेव की हम बात करते हैं कि कैसे तो ये जनरेट होती है, क्या होती है ग्रेविटेशनल वेव है। जैसे ये मान लो कि हम पानी होता है, पानी का तालाब, उसमें हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, ऐसे गोल गोल रेज है वो जनरेट होती हैं, ऐसे लहर सी जनरेट होती हैं, मतलब रिपल्स हैं वो जनरेट होती हैं। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशन वेव वो काम करते हैं, ग्रेविटेशन वेव भी इसी रिपल्स की फॉर्म में जनरेट होती हैं गोल गोल, और ये क्या करती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाती हैं खैर, बट इनकी स्टडी से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा, क्या क्या चलेगा वो भी हम अभी देखते हैं। देखो 1914 का जो टाइम था उस टाइम पे आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर, आप बेसिकली एग्जांपल ले सकते हो कि चाहे दो पिंड हो या फिर दो ग्रह हो ले सकते हो या फिर दो आप एस्ट्रोनॉट ले सकते हो, कोई भी दो चीजें ले लो अगर वो आपस में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, मतलब ये मान लो कि दो चीजें मूवमेंट कर रही हैं तो उनसे क्या होगा, रिपल्स जनरेट होंगी, ऐसे वेव हैं वो जनरेट होंगी गोल गोल इस तरीके की रिपल्स फॉर्म में, और ये जो रिपल्स जनरेट होती हैं इन्हीं को बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव के नाम से जाना जाता है, और इनकी एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा होती है तो इनको आइडेंटिफाई इजिली किया जा सकता है।
और ये देखो काफी लंबे टाइम तक जनरेट होती रहती हैं। और जब दो पिंड हैं वो जनरेट होते हैं या जो मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, ये वेव है वो जनरेट होती हैं। बट अगर वहीं पे दो ब्लैक होल होते हैं वो मूव करते हैं, और आपको पता है कि ब्लैक होल दो अगर मूव कर रहे हैं पास पास में तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, दो की बजाय एक हो जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं। और जो ही वो मर्ज होते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट के फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव है वो जनरेट हुई थी। तो आपको पता है कि बहुत लाखों बिलियन वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड में भी एक विस्फोट हुआ था और उसके फलस्वरूप काफी सारी ग्रेविटेशनल वेव है वो जनरेट हुई थी। तो उन्हीं की स्टडी करने के लिए कि वह ब्रह्मांड कब कैसे ओरिजिनेट हुआ था, उन सब बातों के बारे में रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी है वो काफी अहम हो जाती है। और इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस वो किया जा रहा है कि भाई इनकी स्टडी के थ्रू में पता चल सके कि ब्लैक होल वगैरह वो कैसे तो बने थे, क्या क्या रीजंस थे, और किस किस इन कंडीशन में हमारी अर्थ है उसका ओरिजिनेट वगैरह हुआ था। तो वो सब यहाँ पे स्टडी है वो की जाएंगी, तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन को लेके। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है इसके अंदर जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर एक स्टिकर यूज किया जाए कि भाई किस तरीके का वो फ्यूल वगैरह यूज है वो कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति है वो दे दी है। तो हम देख लेते हैं क्या है, कुछ कलर कोड वगैरह है तो थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। देखो बेसिकली दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए बनाई गई है कोड, जैसे कि लाइट ब्लू कलर का जो होलोग्राम टाइप का स्टिकर होगा ये बेसिकली ये शो करेगा कि ये जो व्हीकल है या तो ये पेट्रोल से चल रहा है या फिर सीएनजी से, क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल और सीएनजी से पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है और जो हानिकारक गैसें हैं वो बहुत ना के बराबर एमिट है वो होती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर लाइट ब्लू कलर का स्टिकर है वो लगाया जाएगा पेट्रोल और जो सीएनजी व्हीकल है उनपे। और बात करें हम डीजल व्हीकल, तो डीजल व्हीकल पे क्या किया जाएगा, ऑरेंज कलर का स्टिकर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हमें थोड़ी ध्यान है वो रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑरेंज कलर का जो स्टिकर है वो तो शो कर रहा है कि भाई डीजल डीजल इंजन है इस गाड़ी में, और लाइट ब्लू कलर का जो स्टिकर है या आप बोल सकते हो कि पेम्पलेट है उसका मतलब ये है कि जो गाड़ी है वो पेट्रोल या फिर सीएनजी से चल रही है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।